आज ये बेसिकली हर्थ फेस्टिवल हमने किया है, जो यहाँ की डाउनटाउन की एक ऑर्गेनाइजेशन है आबे रवा और हेल्थ फाउंडेशन, दोनों ने कोलैबोरेशन में यहाँ पे आबे रवा और हेल्थ फाउंडेशन ने बेसिकली हर्थ फेस्टिवल किया है। ट्रेडिशंस होते थे पुराने टाइम पे, जो अभी हमारे पास नहीं है, जो या हम यूज मतलब इस्तेमाल नहीं करते, जो ट्रेडिशंस में हम नहीं हैं, तो उन ट्रेडिशंस को कैसे रिवाइव करें हम। तो इधर को बचाने के लिए जनरेशन का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उस वजह से हमारी ये कोशिश बेसिकली रही है कि हम यंगर जनरेशन में अवेयरनेस फैलाएं। ये सिर्फ हर दिन नहीं है, बल्कि ये दो तीन इवेंट इकट्ठे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं बैतुल मीरास में, इस बैतुल मीरास को हमने एक कल्चर का हब बनाया है। यहाँ पे हर एक एक्टिविटी होती है जो कब हमसे कुछ छूट गया है, उसको हम यहाँ पे समेटते हैं। उसमें सिर्फ जो आपने अंदर देखा वही इतना ही नहीं है, बल्कि उसमें थिएटर है, उसमें कैलीग्राफी है, उसमें पोट्री है, बस वो चीज़ें जो हम अक्सर अब ख्वाबों में देखते हैं। और उसी के कड़ी, जैसे कि आपको बताया कि हेल्प फाउंडेशन जो इदारा है वो एजुकेशन और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में काम करता है, और एजुकेशन के मामले में जो हमारा थिएटर है, हमने यहाँ पे एक पहल की है। क्योंकि अगर हम देखेंगे जो हमारा थिएटर है वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब हमसे छूट चुका था, लेकिन अब इंशाल्लाह पिछले एक दो सालों से, तीन सालों से हमारे जो रंगकर्मी हैं, जो थिएटर के साथ वाबस्ता है, उसको रिवाइव करने जा रहे हैं और उसमें सपोर्ट मिल रहा है। और हेल्प फाउंडेशन ने भी अपने तौर से यहाँ पे ये पहल की है कि हर महीने की आखिरी शनिचर को यहाँ पे एक प्ले होगा। क्योंकि आप देख लीजिए, जो आप वहाँ पर आप अंदर आपने देखे, बहुत सारी माएँ बैठी हैं, बहने बैठी हैं, जिनको कभी ये मौका नहीं मिलेगा टाइगर हॉल जाने का, जिनको कभी ऐसे मंच पे जाने का, ऐसे प्रोग्राम देखने का मौका नहीं मिलेगा। कि इससे मना कैसे पैटर्न ग्यारह तेलेगा समय। तो हमने क्या किया, हमने कोशिश की कि ये अब इनको हमने थिएटर के मतलब थिएटर में नहीं लिया, बल्कि हमने थिएटर इनके पास लाया। आइए देखिए थिएटर में क्या होता है। जैसे कि आप भी इसी कम्युनिटी से जुड़े हैं, हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं या माएँ हैं या बहनें हैं, बहुत सारी हालतों से जूझी हुई है। हंसने को बहुत कम टाइम मिलता है, अपने दुख सुख शेयर करने का बहुत कम टाइम मिलता है। आजकल हमारा जो टाइम है वो मोबाइल ने खाया, वो हालात ने खाया। तो हेल्थ फाउंडेशन ये पहल की कि हम कोशिश करेंगे एक ही घंटे के लिए, क्यों नहीं, कम से कम ये जो यहाँ बंदा आया है एक घंटे के लिए हंसे तो सही। क्योंकि हमारी कोशिश यही रही है कि हम हंसाते हैं लोगों को, जो दिल की बड़ास होती है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि हमने थिएटर को जोड़ा है, क्योंकि थिएटर हम सिर्फ ड्रामे के हिसाब से नहीं देखते हैं, बल्कि थिएटर को हम एक थेरेपी के तौर पे देखते हैं। अभी आप देखेंगे जब प्ले शुरू होगा तो यहाँ पे कुछ हंसेंगे, कुछ रोएंगे, कम से कम ये डेढ़ घंटा एक घंटा उनको। जैद साहब, अगर हम बात करें कि जो कशिर चैनल थी हमारी, हर किसी घर में वो नज़र आता था टीवी पर, कशिर ड्रामा, जैसे कि हम बात करें, एक रिलेशन थी, एक कॉन्टैक्ट एक था उसके रिलेटेड। और अगर हम आज देखेंगे, आज डिजिटल वर्ल्ड है और वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो उस पुराने कल्चर को रिवाइव करने के लिए और थिएटर को और ज़्यादा आम करने के लिए क्या होना चाहिए, उन लोगों को क्या करना चाहिए जो लोग उसके साथ जुड़े हैं। देखिए आपने एक दुखती रग को छेड़ा है। अगर हम अपने कश्मीर की बात करेंगे और अपने कश्मीर के थिएटर की बात करेंगे, ये ऐसा वैसा थिएटर नहीं था। यहाँ जब बंदा फिल्म के बजाय प्ले देखने के लिए टैगोर हॉल जाता था, वहाँ टिकटिंग ब्लैक हुआ करती थी, वो एक दौर था। लेकिन फिर जब नामसाइल हालात हुए यहाँ पे, या कोविड हुआ या कुछ भी हुआ, वो सिर्फ हमने मतलब आम आदमी ने सिर्फ नहीं सिर्फ वो उस हालात में जूझा, बल्कि हर एक बंदा किसी न किसी तरीके से सफर हुआ है। तो इस लेकिन थिएटर, अब जब आप कहते हैं कि आज हर तरफ डिजिटल वर्ल्ड है, तो थिएटर सिर्फ एक वाहिद जरिया है जो आप रूबरू
जो मतलब जो आप स्क्रीन पे देखते हैं वो थिएटर आपको रूबरू दिखाता है। कश्मीर कला मंच ड्रामा पेश करान तहरीर शौकत शहरी हिदायतकार हकीम जावेद पेशकश कश्मीर कला मंच। आज बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं लेकिन सिर्फ एक खिलाड़ी को तैयार करता है बॉलीवुड जो हमें बहुत सताती टीवी पे जाने की वो ये है जो यहाँ पे डिजिटल बहुत सारे चैनल चाहे उन पे जाने के लिए और अक्सर आप देखेंगे यहाँ पर जब ऑडिशन होता है अक्सर वहाँ पे पूछा जब कोई आर्टिस्ट बोलता है कि मैं थिएटर से हूँ तो उसको प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थिएटर को आप उस नज़र से मत देखिए कि मुझे वहाँ से पैसे नहीं मिलते हैं। थिएटर हमें बहुत कुछ देता है। अपनी सबसे बड़ी बात है अपनी पहचान। थैंक यू शुक्रिया। हरुद की तैयारियों में जो ट्रेडिशंस हुआ करती थी उनको हम अवेयरनेस बेसिकली बच्चों में लाएं और इसको फैलाएं।